everyone, how are you today? Welcome to my class. Today we are going to discuss on explanation of buffer action of buffer solution. यह buffer solution का acidic और basic medium में buffer action है क्या? इसके पहले वीडियो में मैंने आपको buffer solution की definition, बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है और हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि दिया गया सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है. सेकेंड वीडियो है आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक से लिया गया है. मैं आपको दोबारा बता दूं जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, तो आज जो बफर सॉल्यूशन बनता है और उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया कि इसमें थोड़ी सी मात्रा में एसिड या बेस मिलाने पर बफर सॉल्यूशन के पीएच में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन. अब बात आती है कि बफर सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस मिलाने पर आखिर पीएच वैल्यू में चेंज क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हैं या स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हैं तो पीएच वैल्यू या तो इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है. क्या रीजन है? आज इसी का एक्सप्लेनेशन आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटेटिव बच्चे इसको अच्छे से जानने की कोशिश कीजिएगा और कुछ भी प्रॉब्लम आने पर इस वीडियो में कि आपको नहीं समझ में आया तो मुझे जरूर बताइए. तो स्टार्ट करते हैं आज बफर एक्शन इसका एक्सप्लेनेशन. तो पहले बता दूं मैं आपको कि सबसे पहले हम एसिडिक बफर की बात करते हैं. दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर. अगर आपको इसका डिटेल नहीं मालूम तो जस्ट पहले वाला वीडियो आप इसका देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा. फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ूंगा. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एसिडिक बफर सॉल्यूशन हम इसको जानते हैं कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या है और इसमें अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस मिलाते हैं तो इसके पीएच वैल्यू में चेंज ना होने का क्या कारण है, उसे मैं आपको रिएक्शन के बेस में पूरा समझाने की कोशिश करूंगा. ओके, तो देखिए सबसे पहले एसिडिक बफर में क्या क्या होता है. पहली बात बता दें, एसिडिक बफर में एक तो होता है वीक एसिड, ओके okay? दूसरा होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. इससे मिलके जो सॉल्ट बनेगा उसको वीक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो बनेगा हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन. तो पहले तो इसका एग्जांपल देख लें. तो ये क्या हुआ, वीक एसिड में एक एग्जांपल दे रहा हूं. ये होता है हमारा CH3COOH, ये हमारा एसिडिक एसिड है. और प्लस अगर मैं इसी वीक एसिड का सॉल्ट बनाऊं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड हमारा CH3COOH है, मिलके सॉल्ट बनेगा तो ये होगा CH3COONA. ये हमारा बफर सॉल्यूशन बन गया. कैसा बफर सॉल्यूशन? BS लिखा है बफर सॉल्यूशन. एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट ये मिलकर के क्या बनाते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन. कल की डेफिनेशन का थोड़ा सा पार्ट रिपीट किया है कि वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस हमारा एसिडिक बफर बनता है. अब क्वेश्चन ये आता है, जो डेफिनेशन है उसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वो ये है कि अगर हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन में थोड़ी सी मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिला है तो इसकी पीएच वैल्यू में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है या नेगलिजिबल होता, बहुत कम होता है. ठीक है, तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसी इसका एक्शन दिखाने वाला हूं कि क्यों नहीं होता है पीएच वैल्यू में चेंज, क्यों नहीं इंक्रीज होता है या क्यों नहीं डिक्रीज होता है,
दोनों ही रिएक्शन में बताऊंगा, एसिडिक की और बेसिक की, ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये जो एसिटिक एसिड है इसको ले लेते हैं पहले नंबर पर। सबसे पहली बात, आप सबसे पहले एसिटिक एसिड लीजिए CH3COOH। ये अगर इसको हम आयोनाइज करें, किसके एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को हम आयोनाइज करें, तो ये इसमें कन्वर्ट होगा CH3COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव। देखिए ये आयोनाइज हो जाएगा एसिटिक एसिड का, ऐसे होगा। अगर इसके सॉल्यूशन में यानी वाटर में इसको मिक्स करके या डाइल्यूट करके, डाइल्यूशन करके जो भी वर्ड आप बोलना चाहते हैं, और इसको हम आयोनाइज करेंगे तो इसमें आयोनाइज होगा। लेकिन आपको ये बता दें कि एसिटिक एसिड जो होता है ना वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी नॉलेज भी मैं आपको दे चुका हूं पहले वीडियो में, कौन वीक है और कौन स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो बहुत कम आयोनाइज होता है। इसे आप बोल सकते हो, इस वर्ड को याद कर लीजिए, फीबली आयोनाइज्ड। ये वर्ड आप इसे कह सकते हैं, बहुत कम आयोनाइज होता है, इसे कहेंगे हम फीबली आयोनाइज, बहुत कम आयोनाइज होगा। दूसरी बात आता है, दूसरा क्या है इसके अंदर, सोडियम एसिटेट जो कि एक सॉल्ट है। ये क्या था, ये वीक एसिड है। ओके, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये है हमारा सॉल्ट CH3COONA, ये है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम एसिटेट। इसका भी आयोनाइजेशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि सॉल्ट जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। ज्यादातर सॉल्ट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर इसका आयोनाइज होगा तो यहां पर देखिए ये भी पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। देखिए इसकी बात समझ लीजिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये फीबली आयोनाइज होगा। ये सॉल्ट जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि मैं यहां लिख देता हूं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा, कंप्लीटली आयोनाइज होगा, ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा। और इसमें इसके आयंस ज्यादा आएंगे, इसके आयंस कम बनेंगे, तो आपको दोनों आयोनाइज हो गए। किसकी वजह से हुआ, जब इसका डाइल्यूशन किया, इसमें वाटर मॉलिक्यूल मिलाया, तो हम वाटर का भी आयोनाइज करके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये रहा हमारा वाटर H2O, ये भी आयोनाइज होगा, तो ये काय में कन्वर्ट होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पर जो मैंने वर्ड लिखा ना वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ही मानी है आप इसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये इसके कुछ ही मॉलिक्यूल आयोडाइज होते हैं, तो इसको आप बोलेंगे इससे भी कम, ये वीक है तो इसको बोलेंगे वेरी फीबली इलेक्ट्रोलाइट, वेरी फीबली आयोनाइज्ड। ये वर्ड मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि पहले आपने जो बफर सॉल्यूशन लिया है उसमें वीक एसिड है उसका आयोनाइज होगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट है कम आयोनाइज होगा, शॉर्ट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, और वाटर मॉलिक्यूल है ये और कम आयोनाइज होगा क्योंकि ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब बात आती है कि बफर सॉल्यूशन में थोड़ी सी मात्रा में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाए तो ये किस तरीके से पीएच वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज होने में रजिस्टर करता है,
तो मैं बताऊं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां आप देखेंगे कि ये दो आइंस आप देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला आइंस और ये वाला, ये देखिए ये दोनों सेम टाइप के आयन है। तो यहां पर एक वर्ड कहलाता है कॉमन आयन इफेक्ट। इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ही एच पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन को ये रेजिस्ट करते हैं, यानी एच पॉजिटिव आयन्स की और या OH नेगेटिव आयन्स की सॉल्यूशन के अंदर जो अमाउंट है वो बढ़ने नहीं देते हैं, कंसंट्रेशन है वो बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये तो ये बात रखिए, इन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट। एक तो इसकी वजह से रजिस्टर होते हैं, पहली चीज तो ये है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। अब हम आपको ये बात बताते हैं इसमें क्या ऐड कर दें, एडेड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसमें इस सॉल्यूशन में जो आपके पास है इसमें मैं क्या देता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड मैं इसमें मिला देता हूं, बहुत कम मात्रा में ही लिया जाता है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन मान लीजिए लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए अगर मैंने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिया, मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर इसका आयनाइजेशन होगा तो ये काय में कन्वर्ट होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इस H पॉजिटिव की वजह से pH वैल्यू डिक्रीज होती है, यानी एसिडिक करैक्टर बढ़ता है। अगर OH नेगेटिव पड़ता है तो 7 से ऊपर जाएगी वैल्यू, तो क्या होगा, बेसिक करैक्टर बढ़ता है। तो यहां पर एसिडिक करैक्टर जो बढ़ेगा H पॉजिटिव की वजह से pH वैल्यू गिरेगी, तो क्यों नहीं गिरेगी, इसका क्या रीजन है। तो पहली बात बोल सकते हो कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट एकदम बोलने में कई बार आपकी समझ में नहीं आती है क्या कहा जा रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट से क्या मतलब है, मतलब ये है कि इन दोनों का काम है कि एच पॉजिटिव आयन को सप्रेस्ड कर देगा, रोक देगा, रजिस्टर कर देगा। तो यहां पर देखिए कैसे करेगा, तो ये एच पॉजिटिव आयन सबसे पहले क्या करेगा, इस एसिटिक एसिड का जो आयन है इससे रिएक्शन करेगा। देखिए कैसे रिएक्शन करेगा, यहां पर बता रहा CH3 COO नेगेटिव, इससे H पॉजिटिव ये रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, ये बना लेगा CH3। इस एरो को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताऊंगा अभी आपको, CH3 COOH। देखिए फिर से एसिटिक एसिड यानी वीक एसिड में कन्वर्ट हो गया, इससे क्या हुआ, हमारे H पॉजिटिव आयंस रजिस्टर हो गए, इसकी मात्रा को इसने नहीं बढ़ने दिया सॉल्यूशन के अंदर। अब इसमें ये बात और आपके दिमाग में आ सकती है, अब ये बना तो लिया एसिटिक एसिड, लेकिन ये एसिटिक एसिड फिर आयनाइज इधर हो सकता है, इसलिए मैंने एक छोटा एरो बता, ये बहुत कम आयनाइज होता है तो फिर से कुछ मात्रा में H पॉजिटिव आयंस बना लेता है, लेकिन इतने ज्यादा ये नहीं बनाता है जिससे पीएच वैल्यू चेंज हो सके, बहुत कम चेंज होती है जिसे हम नेगलिजिबल ही मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं पीएच वैल्यू में कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं होती है। तो ये चीज आपको समझ लेना चाहिए कि जो एसिटेट आयन है वो एच पॉजिटिव से मिल जाते हैं, एच पॉजिटिव को रोक दिया और एसिटिक एसिड बना लिया। दूसरी बात, अगर मैं इसमें एसिड की जगह बेस यूज करूं, बेस यानी लिख रहा हूं यहां पर देखिए, एडेड स्ट्रॉन्ग बेस और इसकी जगह मैं ले रहा हूं मान लीजिए NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस का जब आयोनाइजेशन होगा, देखिए NaOH, तो क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये आयंस हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस के हैं। अब OH नेगेटिव की वजह से हमारी पीएच वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ये OH नेगेटिव को भी रजिस्ट करेगा, कौन, जो हमारा बफर सॉल्यूशन है, कैसे करेगा, अब ये OH नेगेटिव आयंस के बारे में देखिएगा, ये OH नेगेटिव आयन एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेंगे। तो देखिए CH3 COOH प्लस OH नेगेटिव,
तो ये OH नेगेटिव जब रिएक्शन करेगा इसका OH नेगेटिव आयन फिनिश, कैसे फिनिश होंगे, जब रिएक्शन करेगा तो यहां पर इसका H और इसका OH नेगेटिव मार्कर बना लेंगे और ये फिर बन जाएगा CH3 COO नेगेटिव प्लस प्लस H2O बी इलेक्ट्रोलाइट। और अगर एक फिर से रिएक्शन करके अगर ये बना भी नहीं थोड़े बहुत मात्रा में OH नेगेटिव तो उससे pH वैल्यू में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो इस रिएक्शन को अपन ऐसे इसीलिए दिखाते हैं कि हाँ पहले इसमें बहुत कम मात्रा में ये OH नेगेटिव बनाएगा जिससे कि हमारी pH वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट में थोड़ी सी मात्रा में मैं एसिड या बेस मिला दूं तो उस वक्त सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती है या बहुत कम चेंज होती है। ये यहां पर ये रिएक्शन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, एसिड मिलाएंगे तो ये इस तरीके से रिएक्शन करके एच पॉजिटिव को रजिस्टर करेगा और अगर OH मिलाते हैं तो एसिटिक एसिड खुद OH नेगेटिव को ऐसे रजिस्टर करेगा जो पीएच वैल्यू को बढ़ने नहीं देगा। ये बात मैं किसके लिए कर रहा हूं अभी आपको एसिडिक बफर के लिए, ओके। ऐसा ही सेम कंडीशन बेसिक बफर में भी होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ करने वाला हूं उसके बाद आपको बेसिक बफर के बारे में बताता हूं किस तरीके से बेसिक बफर में ये रिएक्शन होता है। तो चलिए नोट करिए, चलिए बात करते हैं बेसिक बफर की। इसके लिए एग्जांपल बताते हैं कि अगर हमारे पास बेसिक बफर है और उसमें थोड़ी सी मात्रा में एसिड या बेस मिलाएं तो उसके पीएच वैल्यू में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो इस चीज को देख लीजिए, ये है हमारा बेसिक बफर। कल के वीडियो के अकॉर्डिंग बेसिक बफर कैसे बनेगा ये देखिए। नंबर एक तो ये है, इसमें बीक बेस लेंगे और बीक बेस होता है NH4OH, इसकी लिस्ट मैंने कल आपके वीडियो में बताई, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अब इसके साथ में और क्या लिया जाना है, इसमें लेना है सॉल्ट ऑफ बीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हमारा ये तो बीक बेस है NH4OH और ये हमारा सॉल्ट होगा, सॉल्ट क्या होगा NH4, मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बनाऊंगा NH4Cl, बनाना मैंने पिछले वाले वीडियो में दिखाया है। ये हमारा क्या हो गया बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, इसमें कोई झगड़ा नहीं, ये तो हमारी पुरानी बात हो गई। अब बात यहां पर आती है कि बेसिक बफर में अब मुझे ये कैसे आयोडाइज होता है और कैसे हम एसिड और बेस मिला करके पीएच वैल्यू को ये नहीं बढ़ने देता है, उस एक्शन को आपको सीखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इन दोनों को आयोनाइज कराता हूं, किस किस को NH4OH और NH4Cl। तो यहां पर मैं ले रहा हूं, ये रहा हमारा NH4OH, ये बीक बेस है, इसका आयोनाइजेशन हुआ यानी इसका हम सॉल्यूशन देते हैं वाटर के साथ मिला करके, तो इसका आयोनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा NH4 पॉजिटिव बनेगा और प्लस OH नेगेटिव बनेगा, इसमें तो कोई बात है नहीं। बस ये बात आपको जानना है कि ये बीक बेस है तो इस पे आप लिख सकते हो कि ये
वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये फीबली आयोनाइज्ड होगा, फीबली आयोनाइज्ड होगा। फीबली आयोनाइज्ड का मतलब होता है कम मात्रा में आयोनाइज होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो फीबली आयोनाइज्ड होते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज आपको जानना है कि इस सॉल्ट है NH4Cl, इसको सॉल्ट कहेंगे, अमोनियम क्लोराइड, ये भी आयोनाइज होगा। किसमें होगा आयोनाइज? NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा, ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादातर सॉल्ट जितने होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, ज्यादातर सॉल्ट, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। और एक वीक है, उसके साथ ही सॉल्यूशन किसके साथ बनाया जाता है? वाटर के साथ डाइल्यूशन किया जाता है। तो H2O को भी दिखा दीजिए आप यहां पर कि वाटर भी आयोनाइज होता है लेकिन बहुत कम, यानी H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसको भी आप कह सकते हो कि ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट इससे भी कम है, बहुत कम आयोनाइज होता है, इसलिए आप लिख सकते हो इसको वेरी फीबली आयोनाइज्ड, वेरी फीबली आयोनाइज्ड, बहुत बहुत कम आयोनाइज होता है। अब ये तीनों आयोनाइज हो गए तो इसमें जो मेन चीज आप निकल के बाहर आती है वो होती है कॉमन आयन इफेक्ट। इसके आयोनाइजेशन से NH4 पॉजिटिव बना, इसके आयोनाइजेशन से भी NH4 पॉजिटिव बना। ये दोनों NH4 पॉजिटिव की वैल्यू क्या है कि ये जो एसिड या बेस आप मिलाएंगे उसको रजिस्ट करते हैं, यानी उसकी मात्रा को सॉल्यूशन से कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? इसको बोले कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कहलाता है? कॉमन आयन इफेक्ट, CIF, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को रजिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन से रोकते हैं, इसी वजह से pH वैल्यू को न तो घटती है और ना ही बढ़ती है। कैसे रोकते हैं देखिएगा। मैं मान लीजिए इसमें क्या ऐड कर दूं, सबसे पहले ए डबल डी ई डी एडेड स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं पहले इसमें एसिड ले रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम HCl4। तो चार तो बिल्कुल याद रखिएगा, HCl, H2SO4, HNO3 और HCl4, चार स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई भी ले लीजिए। जब इसका आयोनाइज होगा तो देखिए इसका आयोनाइजेशन होता है तो क्या होगा, मैं इसका आयोनाइजेशन कर रहा हूं, देखिए यहां पर ये दिया मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका आयोनाइजेशन हुआ, यानी वाटर के साथ मिला के होगा वो भी आयोनाइजेशन इसमें, तो ये भी पॉजिटिव H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अब H पॉजिटिव की वजह से इसके सॉल्यूशन में हमने इसको मिलाया तो इसकी वजह से इसका pH वैल्यू चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये H पॉजिटिव मालूम है किससे रिएक्शन करेगा, ये आपको देखना है। ये है हमारा NH4OH, ये NH4OH से रिएक्शन करेगा, कौन? H पॉजिटिव। कैसे करेगा देखिएगा जरा, यही बता रहा हूं, NH4OH, ये रहा वीक बेस, इससे कौन रिएक्शन कर रहा है? H पॉजिटिव रिएक्शन करके आयोनाइज करेगा NH4 पॉजिटिव में और प्लस H2O बन जाएगा जो कि वीकली आयोनाइज्ड है। तो इसने H पॉजिटिव से रिएक्शन करके यानी H पॉजिटिव को रोक दिया, इसकी आयंस की संख्या सॉल्यूशन में नहीं बढ़ने दी, तो pH वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, NH4 पॉजिटिव और H2O बन गया। दूसरी बात, अगर मैं इसमें एसिड की जगह बेस मिलाऊं तो क्या होगा? तो देखिए
एडेड 20, 20 कैसा होना चाहिए ये ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग कौन सा ले रहे हैं यहां पर, कोई भी ले लीजिए स्ट्रॉन्ग में फर्स्ट ग्रुप का NaOH आयोडाइड होगा तो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसकी वजह से सॉल्यूशन में यानी ये NaOH हम किस में मिला रहे हैं, बफर सॉल्यूशन में, ये बफर सॉल्यूशन है, इसकी वजह से pH वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए तो लेकिन नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि ये NaOH का जो OH नेगेटिव है इस NH4 जो कॉमन आयन में बन रहे हैं इतने सारे, ये NH4 पॉजिटिव इस OH नेगेटिव से रिएक्शन करके, इसको मैं कम दिखाऊंगा, ये बनाएगा NH4 OH, फिर आपने ये वीक बेस बना लिया और ये वीक बेस है, ये बहुत कम आयोनाइज अगर हुआ भी तो बहुत कम OH नेगेटिव बनाएगा जो कि पीएच वैल्यू को ज्यादा चेंज नहीं कर सकता, राइट। तो यहां पर OH नेगेटिव को रजिस्टर कर दिया NH4 पॉजिटिव ने जो कॉमन आयन में हमें मिले, और यहां पर NH4 OH जो पूरी तरह आयोनाइज तो नहीं होता है, तो जो बचा हुआ है NH4 OH है वो NH4 OH H पॉजिटिव आयन से मिलकर के NH4 पॉजिटिव बनाता है, तो यहां पर H पॉजिटिव को रजिस्टर कर दिया जो सॉल्यूशन में नहीं बढ़ने दिया। अब आपको बात समझ में आई होगी कि हम थोड़ी सी मात्रा में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाए तो बफर सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू में कोई विशेष अंतर नहीं आता है, ये रीजन है, पहला रीजन कॉमन आयन इफेक्ट दोनों में, एसिडिक बफर में भी और बेसिक बफर में भी, और दूसरा उसके आयोनाइजेशन से ये आयन आपस में रिएक्शन करके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को रजिस्ट करते हैं, सप्रेस करते हैं, रोकते हैं, इसी वजह से पीएच वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है। ये है आज का मेन टॉपिक जो आपने सीखा कि एसिडिक बफर और बेसिक बफर का बफर एक्शन है क्या, आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आने पर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आई। अगर आप बफर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो पहला वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, उसके बाद आप इस सेकेंड वीडियो को देखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।